दोस्तों, अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि अफ्रीका के जंगलों में आखिर वो कौन सा ऐसा जानवर पाया जाता है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा खतरा बन सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप में से ज्यादातर लोग इस सवाल के जवाब में शेर या फिर मगरमच्छ को ही आगे रखेंगे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो इससे काफी अलग है, क्योंकि अफ्रीका के जंगलों में रहने वाला कोई जीव अगर दूसरों के लिए सबसे ज्यादा खतरा बन सकता है तो वो जीव का नाम है हिप्पो। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। असल में एक हिप्पो के हमले से अफ्रीका में साल भर करीब 500 लोगों की मौत होती है। शेर और मगरमच्छ इस गिनती के करीब तक नहीं आते हैं। वैसे ये बात अलग है कि जंगल के बाकी जीवों को इन स्टैटिस्टिक्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये जीव हिप्पो से नहीं डरते हैं। असल में जंगल का कोई भी जीव हिप्पो के साथ पंगा लेना ही नहीं चाहता है। अब दोस्तों, थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं कि हिप्पो इतने खतरनाक क्यों होते हैं और जंगल के दूसरे जीव आखिर इनसे इतना डरते क्यों हैं। दोस्तों, असल में एक हिप्पो बहुत ही ताकतवर किस्म का जानवर होता है। इनकी लंबाई करीबन 16 फीट तक हो सकती है और इसका वजन करीबन 10,000 पाउंड्स के आसपास होता है। अब इतने भारी भरकम एक जीव से दूरी बनाकर रखना ही समझदारी की बात है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हिप्पो के दांत बड़े नुकीले किस्म के होते हैं और इनके दांतों की लंबाई करीबन 20 इंच तक हो सकती है। अगर बात इनके स्किन के बारे में की जाए तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इनके स्किन का थिकनेस करीबन 2 इंच के आसपास होता है, यानी कि इनका स्किन एक तरह से इनके लिए एक आर्मर का काम करता है। अब ऐसे एक खतरनाक जीव से भला कौन लड़ना चाहेगा? लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक और बात बताना चाहेंगे। दोस्तों, एक हिप्पो के शरीर का ऊपरी हिस्सा भले ही कितना भी सख्त क्यों ना हो, लेकिन इनके शरीर का निचला हिस्सा बहुत ही कमजोर होता है, और जो हिप्पो उम्र में थोड़े छोटे होते हैं उनकी स्किन भी थोड़ी पतली होती है। इसलिए कभी कभार शेर छोटे छोटे हिप्पो को अपना शिकार बनाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन बड़े हिप्पो उनके पकड़ के बाहर होते हैं। हमारे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक शेर एक बड़े से हिप्पो के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तस्वीर में हम ये देख रहे हैं कि उस शेर का हर एक वार नाकाम हो रहा है। तीसरे तस्वीर में हम देख रहे हैं कि अभी उस शेर की मदद करने के लिए और भी कई सारे शेर वहां पर आ पहुंचे हैं, लेकिन उस हिप्पो को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। चौथे तस्वीर में हम देख सकते हैं कि उन 4 शेरों ने मिलकर उस हिप्पो के ऊपर हमला कर दिया है, लेकिन वो चारों भी उस हिप्पो का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। इस बात से ये तो एकदम साफ है कि 3-4 शेर मिलकर भी एक हिप्पो का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों, अभी हम आपको एक ऐसे पक्षी के साथ मिलवाने जा रहे हैं जो एक हिप्पो को भी भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। दोस्तों, ऑक्सपेकर्स एक ऐसे खास किस्म के पक्षी होते हैं जो एक हिप्पो के शरीर के ऊपर बैठकर उनके शरीर से पैरासाइट को खाकर अपना पेट भरते हैं। लेकिन कभी कभार ये पक्षी अपने नुकीले चोंच के जरिए एक हिप्पो के स्किन में भारी चोट पहुंचा देते हैं। इसके बाद ये अपने चोंच के जरिए उस हिप्पो के शरीर से मांस और खून को खाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि उनके द्वारा इतना चोट पहुंचाने के बावजूद भी उस हिप्पो को कोई स्किन इन्फेक्शन नहीं होता है। अब ऐसा क्यों होता है, आइए इस विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं। दोस्तों, असल में हिप्पो किसी साफ सुथरे जगह पर नहीं रहते हैं। ये जीव ज्यादातर गंदे और कीचड़ वाले जगह पर रहना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ ये अपने शरीर के वेस्ट मटेरियल से भी उस जगह के पानी को और भी ज्यादा गंदा कर देते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये बात सुनकर काफी हैरानी होगी कि अफ्रीका के एक नदी में करीब 400 हिप्पो मिलकर साल भर में करीब 18,000 पाउंड्स की वेस्ट मटेरियल जमा की थी। अब इन वेस्ट मटेरियल से निकले हुए खतरनाक गैस जैसे कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड के चलते वहां का पानी एकदम खराब हो गया था। एक वक्त पर हालात इतना ज्यादा खराब हो गया था कि अफ्रीका के सरकार ने उस नदी से पानी लेने के ऊपर भी पाबंदी लगा दी थी। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि हिप्पो ऐसे गंदे पानी में भी बड़े आराम से रह लेते हैं।
जरा सोचिए कि ऑक्स पेकर्स के चोच से मिले घाव को लेकर जब ये ऐसे गंदे पानी में जाते हैं तो तब इनके इन घाव के ऊपर बैक्टीरिया फैल जाने की पूरी संभावना रहती है और ऐसा होने से इस हिप्पो की जान तक जा सकती है। लेकिन हिप्पो के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। असल में दोस्तों, हिप्पो एक रेगुलर टाइम इंटरवल में ब्लड स्वेट करते हैं और इनके ऐसा करने से इनके इन घाव के ऊपर एक परत बन जाता है जो एक आर्मर की तरह काम करता है और इस वजह से ही उस गंदे पानी के बैक्टीरिया हिप्पो के घाव के ऊपर ज्यादा असर नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ऐसे गंदे पानी में रहने की वजह से इन हिप्पो को कॉलेरा जैसी खतरनाक बीमारी भी लग सकती है। लेकिन देखा जाए तो ऐसे गंदे पानी में रहने के बावजूद भी हिप्पो को कोई भी खतरनाक बीमारी नहीं लगती है। असल में ये हिप्पो अपने आप को इतना इवॉल्व करने में सक्षम हो गए हैं कि इनके ऊपर कॉलेरा जैसे खतरनाक बीमारी का कोई भी असर नहीं होता है। गंदे पानी में रहते रहते हिप्पो अपने शरीर को पूरी तरह से गंदे पानी में रहने के लायक बना लिए हैं। दोस्तों, अब हम फिर से एक बार बात करेंगे ऑक्स पेकर्स के बारे में। दोस्तों, ये बात तो हमने आपको पहले ही बताया है कि ऑक्स पेकर्स जंगल के दूसरे जीवों के शरीर के ऊपर बैठकर उनके शरीर के ऊपर जमे हुए पैरासाइट को खाते हैं और कभी कभार तो ये अपने नुकीले चोंच के सहारे दूसरे जीवों के स्किन को काटकर उनके मांस और खून को भी खाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये पक्षी कभी कभार दूसरे जीवों का दूध भी चुरा कर पी लेते हैं? क्यों, सुनकर अजीब लगा क्या? आइए अब आपको हम इस बात की सच्चाई दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ऑक्स पेकर्स एक गाय के शरीर के निचले हिस्से में बैठकर इसके शरीर का मांस और खून खा रहा है। लेकिन असल में ये ऑक्स पेकर वहां पर मांस और खून के साथ साथ उस गाय के दूध को भी चुरा कर खा रहा है। अब ये दूसरे जीवों से दूध चुराने की कला सिर्फ ऑक्स पेकर्स के पास ही नहीं होते हैं, क्योंकि ब्राउन स्क्यूअर्स नाम के ये पक्षी भी एलिफेंट सील के दूध को चुरा कर खाने में माहिर होते हैं। दोस्तों, चीजें चुराने की कला बहुत सारे पक्षियों में देखे जाते हैं और इस काम में स्टारलिंग नाम के ये पक्षी सबसे ज्यादा तेज हैं। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, लेकिन सच्चाई यही है कि स्टारलिंग अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, बल्कि ये पक्षी बतख के घोंसले को चुरा लेते हैं। जब कोई बतख अपने घोंसले में अंडा देता है तो तब ये पक्षी उस घोंसले में जाकर तरह तरह के प्लास्टिक और अन्य वेस्ट मटेरियल्स फेंकने लगते हैं, ताकि इन वेस्ट मटेरियल्स के चलते उस बत्तख के अंडे पूरी तरह से ढक जाए और वो बत्तख अपना घोंसला छोड़ के चला जाए। कभी कभी तो ये बत्तख के घोंसले को तोड़कर उसके अंडे को नीचे तक भी गिरा देते हैं, ताकि वो बत्तख के घोंसले पर अपना कब्जा जमा सके। एक बार वो बत्तख जब अपने घोंसले को छोड़कर चला जाता है तो तब ये पक्षी उसके घोंसले पर कब्जा जमा लेते हैं। एक बार इन पक्षियों को रोकने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर अल्ट्रासाउंड वेब टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन दोस्तों इसका फायदा कुछ भी नहीं हुआ था। बाद में वो लोग बत्तख के घोंसले को बचाने में कामयाब तो जरूर हुए थे, लेकिन इन स्टारलिंग पक्षियों के लिए अलग घोंसला बनाकर ही उन्हें कामयाबी मिली थी। है ना ये पक्षी बड़े ही चालाक। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।